हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों वीडियो नहीं आ पा रही थी, तकरीबन 8-10 दिन हो गया। काम में थोड़ा बिजी रहते थे और भी कुछ काम रहता था, ब्लॉग शूट करने हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो एनीवेज, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं नेहरू बंगलो सी बीच, जो कि यहां से 88 किलोमीटर दूर है। तो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग के आखिर तक आप लोग बने रहें। तो निकलते हैं, वहां के बारे में बताते हैं, वहां का व्यू दिखाते हैं, निकलते हैं गाइस। तो गाइस, हम अब कुछ ही मिनट में अपनी मंजिल में पहुंचने वाले हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेहरू बंगलो सी बीच। पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितना जबरदस्त हुआ है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में ऐसे ही बने रहे। आगे चलते और भी बेहतर बेहतर आपको दिखाते हैं, जहां पर महानदी और बंगो सागर का मिलन होता है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में ऐसे ही बने रहे। आगे चलते हैं और आपको बेहतर बेहतर सब दिखाते हैं, व्यू, सिनेमेटिक शॉट्स और उसके बारे में बताते हैं। तो चलते हैं गाइस। हम लोग वो जगह आके पहुंच चुके हैं जहाँ पे महानदी और बंगाल सागर का समुद्र का मिलन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये है महानदी, और इस साइड जो आप देख रहे हैं जहाँ से लहरें आ रही हैं, ये है बंगाल सागर का समुद्र। प्लीज आप लोग यहाँ का सिनेमैटिक एंजॉय करिए, हम लोग फिर निकलते हैं फिश हार्बर की तरफ। हम फी सर्वर के पास आके पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने टिकट खरीद लिया पर पर्सन 5 रुपीज करके। अब अंदर चलते हैं, दिखाते हैं वहां का क्या सीन रहता है। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस, हम फी सर्वर के अंदर आके पहुंच चुके हैं। ये जो बोट सब देख रहे हैं आप, ये सब जाते हैं 8-10 दिन के लिए समंदर के अंदर, कभी पूरी, कोलकाता, आंध्रा, जहां पे मछली वहां पे ये, इसी के अंदर इन लोग का खाना पीना सब कुछ, 4 लाख तक का डीजल लेके जाते हैं 8-10 दिन के लिए। वहां से मछली पकड़ के इस फी सर्वर के अंदर ला के रखते हैं। फिर गाइस, यहाँ से हर कंट्री में मछली जाता है। तो गाइस, चलते हैं इस फी सर्वर के अंदर और दिखाते हैं कैसा रहता है ये। तो गाइस, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फिश सर्वर है। बोट से मछली सब लाकर यहाँ पे रखते हैं। और ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस सब देख रहे हैं, इसमें फिश सब पैक होके बाहर बाहर कंट्री को जाती है और यहाँ पे सेल भी होता है। यहाँ पे बहुत तरीके का मछली पाया जाता है। तो गाइस, ये है फिश सर्वर का व्यू। मछलियों का कुछ ज्यादा ही स्मेल हो रहा था, तो हम बाहर निकलते हैं फिश सर्वर के। गाइस, अब हम निकल चुके हैं फी सर्वर के बाहर। फिलहाल अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।